अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। और बस मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। हाथ पैर में दर्द, फीवर जैसा हो रहा है, कफ कोल्ड ये सब हो रहा है। तो वो तो सभी के साथ है, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में सारा दिन शूट करना है और फिर रात को एडिट करना है, अपलोड करना है, और फिर बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो बस तो मैं रेस्ट कर रही थी ऐसे ही, तो मैंने कहा एल्बम देख रही थी मैं अपना, तो मैंने कहा आपसे भी एल्बम अपना शेयर करूं, शादी का एल्बम। बट मैंने सोचा पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे शादी का एल्बम देखने में या नहीं, तो मैंने कहा चलो पहले सगाई का एल्बम अपना छोटा सा शेयर करते हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी शादी का एल्बम भी देखना चाहते हैं या नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, तो मैं कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपना शादी का एल्बम शेयर करूँगी। अभी मैं आपसे अपने सगाई का एल्बम शेयर कर रही हूँ, मैं देख रही थी तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ सगाई का एल्बम। और मेरी सगाई हुई थी 2007 में, और 3 जनवरी को हुई थी, और उसी साल फिर मेरी शादी हुई 29 अक्टूबर को। तो बस देखिए आप मेरी सगाई का एल्बम कि 2007 में मेरी सगाई कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कुछ फ़ोटो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। और हाँ बताइएगा ज़रूर अगर आप हमारी शादी का एल्बम देखने में इंटरेस्टेड हों, और तो वो भी मैं अपनी मेमोरीज आपसे शेयर करूँगी अपनी शादी का। और मुझे बहुत ही खुशी होगी आपसे शेयर करने में, अपनी शादी का एल्बम शेयर करने में। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं मेरा शादी। तो इस तरह से है कुछ हमारी सगाई का एल्बम, छोटा सा ही एल्बम बना है, बट अभी भी बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है मैंने, सभी संभाल के रखते हैं अपनी मेमोरीज को। तो ये फ़ोटो हम दोनों का लगा है एल्बम में, ये एंगेजमेंट में इस तरह से लहंगा पहना हुआ था ऑरेंज कलर का, और बस घर पे ही तैयार हो गए थे। इनकी तरफ का एल्बम है तो ये घर के बाहर खड़े हुए हैं सभी लोग, और निकलने के लिए मेरी ननंद, सासू माँ, मामू लोग आए देती हुई। ये मेरी नानी सास हैं जो कि बहुत ही प्यारी थी, और इनका इसी साल इंतकाल हो गया है। रास्ते में सभी लोगों ने फोटो निकलवाई हैं, चाय नाश्ते के लिए रुके हुए थे सब लोग, तो ये सब लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। मेरी सासू माँ, फिर मेरी खाला सास की लड़की, फिर मेरी ननंद ग्रीन सूट में, और फिर मेरी दोनों खाला सास हैं। ये नाश्ते के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं सभी लोग, पहुँच गए हैं सभी हमारे यहाँ पर घर पर, तो बैठे हुए हैं चाय नाश्ता हुआ। और ये अपने भांजी के साथ, यानी मेरी ननंद की बेटी है प्यारी सी मेरी नीस, तो उसके साथ फोटो है इनकी। और मेरे भाइया हैं ये जो कर रहे हैं गोद भराई, जो कि स्वीट से और पैसे रख के गोद भराई, भाई हैं जो गोद भर रहे हैं स्वीट से, और ये पैसे रखे जाते हैं जिसको जितने रखना है पैसे, तो उस हिसाब से आ जाते हैं। तो ये है हम लोग की तरफ का सामान जो हम लोगों ने कपड़े वगैरह और जो भी दिए थे गिफ्ट में, ये सारे गिफ्ट वगैरह जो जो एंगेजमेंट में आए थे, तो ये सब वो सामान है। और एक तरफ उन लोगों का सामान, लड़के वालों का सामान, जो कि ये लोग हमारे लिए सूट वगैरह, चप्पल, मेकअप वगैरह लाए थे, ये सब फल फ्रूट्स वगैरह ये रखे हुए हैं। पर मेरी जो ननंद हैं वो मुझे चूड़ियाँ पहना रही हैं एंगेजमेंट में, जो लाते हैं चूड़ियाँ वो पहना रही हैं, और मेरी नानी सास हैं पर रिंग पहना रही हैं मेरी ननंद मुझे, और नानी सास बताती जा रही हैं कि कैसा करना है, बुज़ुर्ग तो इसीलिए होते हैं सब कुछ बताते हैं। मेरी मम्मी जी और पापा जी के साथ फ़ोटो है, और मेरे 1 जुलाई को पापा जी का इंतकाल हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एक और फ़ोटो मेरी मम्मी जी के साथ, सास बहू हैं दोनों ही ऑरेंज ऑरेंज में हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी सास ऑरेंज साड़ी में। यहाँ पर एक
साइड मेरी ये खाला सास हैं और ये मेरे देवर हैं, और मेरी ननद मुझे पायल पहना रही हैं। और मेरी नानी सास बहुत ही अच्छी नेचर की थी, बहुत खुश मिजाज। यहाँ पर मेरी हो रही है, मतलब रिंग तो मेरी ननद ने पहना दी थी, लेकिन बाद में फ़ोटो खिंचाने के लिए हम लोगों ने ऐसी पहनाई थी रिंग। कैसी लगी आपको हमारी सगाई की एल्बम, और अच्छी लगी हो या कैसी भी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और इंटरेस्टेड हो आप मेरे शादी का एल्बम देखने में, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके से शादी का एल्बम भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बीमारियां बहुत फैल रही हैं क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।